मैं आप दोनों के लिए एक कमाल की खबर लाया हूं। आप लोग पूछेंगे नहीं क्या? बोलो क्या बात है चाचा जी। फाइनली मैंने अपने सर्विस से रिजाइन करके एक बार फिर ऑफिशियली मल्होत्रा इंडस्ट्री ज्वाइन करने का फैसला ले लिया है। हाउ इज दैट? लगता है मेरा यह फैसला सुनकर आप लोग खुश नहीं हुए। क्या बात है, ये फैसला अच्छा नहीं लगा आपको? तुम्हारे इस फैसले पर बाद में बात करेंगे, पहले तुम्हारे उस फैसले पर बात करें जो तुम्हें खेतरी जिले में जमाया है। नहीं नहीं, खेतरी में कौन सा फैसला? बनो मत चाचा, प्लीज कुछ बताइए तो सही, आखिर बात क्या है? ऋषभ, अभी अभी खेतरी से फोन आया था कि एकनाथ पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया है। क्या, एकनाथ पर हमला? लेकिन उन लोगों ने कुछ कहा होगा, ये हमला करवाया किसने? एकनाथ के फॉलोअर्स का कहना है कि ये हमला तुम्हारी यानी ऋषभ मल्होत्रा की साजिश है। What? What nonsense, महेंद्र चाचा। मैं और एकनाथ पे हमला करूंगा? लेकिन क्यों? जबकि मैं खुद खेतरी जाना चाहता हूँ, उसके साथ बैठकर उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहता हूँ, उनके हल ढूंढना चाहता हूँ। नहीं ऋषभ, लेकिन अब तुम हरगिज हरगिज वहां नहीं जाओगे। नहीं शिला जी, नहीं, बल्कि अब तो मैं वहां जरूर जाऊंगा, क्योंकि इस वक्त मेरा वहां ना होना मेरे खिलाफ माना जाएगा। वहां जाकर मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। आई होप बोथ ऑफ यू बिलीव मी कि मेरा इस हमले में कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ऋषभ, ये बात निकली कहां से? भगवान जाने, ये हमारा जानना भी बेहद जरूरी है। खेतरी जिले में एकनाथ पर हमला होता है, इल्जाम तुम पर लगाया जाता है, इसका मतलब तुम्हें बकायदा फंसाया गया है। बिल्कुल, ताकि वहां के लोग मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के और भी अगेंस्ट हो जाए। हो ना हो, यह हरकत जरूर भद्रा रूप वालों, क्योंकि ऐसी गिरी हुई हरकत इस वक्त उनके अलावा कोई कर नहीं सकता। और अगर मेरा अंदाजा सही है तो यह सारा प्लान करण का है, क्योंकि आजकल मिस्टर करण सिंह भी जाकर भद्रा ग्रुप वालों के साथ मिल गए। एक बार खेतरी जाकर लौटा हूं, उसके बाद करण से निपटता हूं। तो मैं चाचा, अब करण को आड़े हाथ लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि एक बार फिर उसने उल्टे कदम चलना शुरू कर दिया।